नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट वेदांता लिमिटेड। अभी कॉस कंपनी को लेकर आ रहा है दो दो इंपॉर्टेंट अपडेट, पॉजिटिव अपडेट आ रहा है। तो क्या पॉजिटिव अपडेट है? रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को लेकर क्या आ रहा है, एंड दूसरा है एक्विजिशन को लेकर आ रहा है। तो क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है आज इस वीडियो में लोग चेक करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आपसे विस रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के दिन में वेदांता में लगभग 3.5% का गिरावट था। तो ये गिरावट नहीं था, बताना चाहूंगा, आज कंपनी का एक्स डेट था। तो जिनको कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया था, आज रिकॉर्ड डेट था, आज एक्स हुई है। 11 रुपए उसमें माइनस कर दीजिएगा कल के प्राइस से, तो कोई भी गिरावट नहीं है, ये गिरावट नहीं है, बताना चाहूंगा। ओके, सो जिन्होंने भी वेदांता का शेयर आज तक अपने डीमैट अकाउंट में रखा होगा, पहले जिन्होंने बाय करके रखा है उन्हें डिविडेंड मिलेगा, जिन्होंने आज खरीदा होगा उन्हें डिविडेंड नहीं मिलेगा, बताना चाहूंगा। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग डिविडेंड है। अभी जो कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है रिगार्डिंग एक्विजिशन, उसको हम लोग फटाफट चेक कर लेते हैं। So, यहां देखिए डेट है 27 दिसंबर 2023, यानी आज के दिन में कंपनी ने अपडेट दिया है दैट एक्विजिशन ऑफ मीनाक्षी एनर्जी लिमिटेड जो कि अंडर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में थी, उसको उन्होंने एक्वायर कर लिया इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। मीनाक्षी एनर्जी जो है आज उन्होंने अलॉट किया है 10 लाख फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ INR 10 ईच, अमाउंटिंग टू इक्विटी कैपिटल ऑफ INR 1 करोड़ का टू द कंपनी कंसिक्वेंट टू विच। अब इसके कारण क्या हो जाएगा, मीनाक्षी एनर्जी जो रहता है होली ऑन सब्सिडरी वेदांता की हो जाएगी विथ इफेक्ट फ्रॉम 27 दिसंबर 2023। तो मीनाक्षी एनर्जी जो है अब, फिर से रिपीट करूंगा, होली ऑन सब्सिडरी हो गई है वेदांता कंपनी का। तो ये प्रोसेस आज नहीं है, ये प्रोसेस बहुत पहले स्टार्ट हुआ था। तो ये आज का डेट है 27 दिसंबर का। इससे पहले भी एक डिस्क्लोजर आया था, देख सकते हैं 18 जनवरी का डेट, देख सकते हैं 2023 का था। तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया इस डेट का। उसमें कंपनी ने बताया था कि इन्होंने इन्फॉर्म किया था कि वीज टू इन्फॉर्म दैट पोस्ट सबमिशन ऑफ बिड फॉर मीनाक्षी एनर्जी, उन्होंने बिड सबमिट किया था मीनाक्षी एनर्जी को लेकर के अंडर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के तहत में। तो वेदांता जो थी वो सक्सेसफुल बिडर बनी थी, यहाँ पे देख सकते हैं डिक्लेयर सक्सेसफुल बिडर, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, सक्सेसफुल बिडर ऑन जनवरी 18, 2023, सब्सिक्वेंट टू विच द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ वेदांता लिमिटेड है अप्रूव्ड एक्विजिशन ऑफ मीनाक्षी एनर्जी। तो ये प्रोसेस पहले स्टार्ट हुआ था, आज ये प्रोसेस जो रहता है कंप्लीट हो चुका है, होली ऑन सब्सिडरी बन चुकी है। एक पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर आ गया। दूसरा अपडेट आ रहा है रिगार्डिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चीज है, डेट देख सकते हैं, पहला 27 दिसंबर का है, और जहां पर कंपनी ने बताया कि वी हियर बाई सर्टिफाई दैट कंपनी हैज मेड टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू इट्स डिबेंचर होल्डर एज पर बिलो डिटेल। तो हमेशा वेदांता सुर्खियों में रहती है कि पेमेंट में डिफॉल्ट कर सकता है, क्या कर सकता है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव अपडेट आ रहा है दैट इन्होंने इंटरेस्ट ऑन जो डिबेंचर से रिलेटेड इंटरेस्ट था उनको, उसका सक्सेसफुल पेमेंट, टाइमली पेमेंट कर दिया है। तो आप इस चीज को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, और अब हम लोग चार्ट में चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए वेदांता का चार्ट है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फ्रेंड, अगर किसी कारणवश 240 से 244 की रेंज में अगर आती है और यहाँ से फिर से उछाल अगर आता है, तब फिर यहाँ पर एक बाई ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से यहाँ पर काम किया जा सकता है। स्टॉप लॉस मैंने बता दिया है 241 से 244 के बीच में आपका सपोर्ट रहेगा या स्टॉप लॉस रहेगा, और इसमें रेजिस्टेंस रहेगा 270 269 270 की रेंज में रेसिस्टेंस रहेगा। तो चार्ट जो रहता है अच्छा है, पॉजिटिव है एंड बुलिश चार्ट है, और अभी जो रहता है चूंकि पॉजिटिव न्यूज आ रहा है तो मोस्ट ऑफ चांसेस है कि आपको यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिल जाए। तो दैट्स ऑल अबाउट वेदांता, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।